आधुनिक मुसलमानों को सबको सलाम वालेकुम। कल गौस बादशाह जाको ईदगे में, हाँ ईदगे में काम कर रहे ने हैं। 80 लाख रुपए फंड वसूल कर को असल काम ठहरा करी, यहाँ काम चल रहा ने है। तब बोला हो करेट 80 लाख रुपए नहीं, 60 पौनों से 70 लाख रुपए चंदा वसूल करे। उसके बाद सही क्या गौस बादशाह, पहली बात तो तू विलेकर पड़को बनाएगी क्या? तेरे उत्ते को तू विलेकर बनाएगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तेरा हिसाब कैसा है तो बोले तो तू खाली जा रहा है, कहाँ खड्डा दिखा वहाँ वीडियो काट रहा भेज रहा है। अभिवृद्धि क्या करेगा तो पूछ रहा तू, अभिवृद्धि करे सो तुझे मेरा साथ आम बता दू तुझे कहाँ कहाँ करेंगे कहा क्या। माइनॉरिटी कालीन में रोड़ा नहीं डाले एक बोला तू, माइनॉरिटी कालीन में डामर के रोड़ा कहते डाले तुझे मालूम क्या? नहीं तो फिर को देखा गया वो कालीन क्या। ईदगे के बाजू गरज कौन की गैर खुम का दलाया MLA दलाया नहीं कराया। असर हमारी कमेटी वाले वहाँ रहे तो कि ना वो गरज भी डालने देते नहीं, कई को नहीं डालने देते है का तो 4 एकड़ 95 सेंट ईदगे की जगह हो क्या? आपको माइनॉरिटी कालीन वाले रंधे कौन भी रंधे फिरने जाने देने दे रही सोच बहुत बड़ी गनीमत हो। जल्दी से जल्दी इधर भी गेट डालते उधर भी गेट डालते क्या? वो जगह किसकी भी नहीं, ना म्यूनिसपालिटी की ना गवर्नमेंट की ना बेक की, हमारी प्रॉपर्टी हो मुसलमाना की प्रॉपर्टी हो। ईदगे का कहाँ, ईदगे में कौन भी रहबार नहीं और देखभाल नहीं था तो चलने छोड़े थे क्या? अब उसका मैं सोबा सी तो कर ले सियारी ऐसा कर ले तो साथ स्टम्प हो वो गरज भी उखाड़ फिर कहती सब ऐसा बोले तो कि ना तुम्हारी रोड कहाँ है? हॉस्टल गने है, तुम्हें हॉस्टल गने से चलना क्या? वो ऐसा रोड डाल लेंगे तो MLA को सौजन्य ऑब्जेक्शन कर रही, ये 100 पंचाधार रहने से MLA वो रोड डाले नहीं। जब माइनॉरिटी काली नहीं में गली गली को रोड डाला स्टम्प वो रोड फेंकने डालता एक सब्जेक्ट क्या? तू रोड कहाँ काम करा, MLA कहाँ काम कराया का तो बोल रहा है। आ माइनॉरिटी काली नहीं छोड़ को ये हमारा YSR नगर आ लेबर काली नहीं आ क्या, भीम रेड्डी काली नहीं आ क्या, अभी तुझे उसे उससे सामने का तो शिवशंकर नगर आ क्या, अभी तुझे इधर कॉलेज रोड को आ, कॉलेज रोड को तुझे कहाँ कहाँ रोड नाली बताती, एरकुल कालीनी में रोड नाली सब बताती क्या? ये तू अभिवृद्धि नहीं करे, अभिवृद्धि नहीं करेगा तो CM बैठा से 2 साल कोरोना में आदमिया मरते मरते बचे बल्ला गए ने। हमारे CM को वो कराने तकलीफ दुनिया की थी, कितना मुसीबत थी उस टाइम पर। एक आदमी एक आदमी को मिलने भागो जा रहा था क्या? ये 2 साल में उन्होंने इतने पैसे खर्चा करे आदमिया के खातिर, वो किसे भी दिखा नहीं। तू ईदगे का काम करे नहीं करे नहीं करा, ईदगे के बारे में तुझे क्या मालूम? तू कहू तो आया था क्या हमारे साथ क्या? तू कहू तो हमारे साथ आया था, नहीं कोसे तो हाफिस ने आया था, नहीं कोसे तो हाफिस को आया था। तू CM आगो बोल को गया तो फंड गया तो जो मैं आख रहा था समझा गया तू? नहीं गया तो CM गया तो पैसे देख फैसा समझा किसके तू भी हाथी तू? ये हाफिस का काम होना का तो बोले तो क्या, एक हाफिस का काम होना का तो बोले तो 90 पर 9 ऑफिसर रहते उसके ऊपर वो काम करने वाले 90 पर 9 जना को जवाब देखो, एक फाइल बना लेगा ना, एक फाइल बना लेगा ने के बाद जब वो फंड करने का रिलीज होता, ये चुपके चुपके के आशा माशा का क्या हुए ये क्या? खाली CM बोल को गया क्या कर रही है क्या कर रही है, मैं उसके खातिर तुझे पूछ रहा हूँ तो पड़को विलेकर बने यानी चुपके चुपके विलेकर बना। तेरा शिवली को तू बोल रहा है शिवली आगो हमारा परसमिट देने के बाद यहाँ काम चले आकर, फिर TDP रोलिंग में टेम्पो जिदगा को कराना था बता तेरे शिवली को शोक रहा यार आज टेम्पो तेरे शिवली सार को बुला लेगा को ईदगे का काम जब भी कराना था, फिर तू खाली किसी के गाँव वाले को लाते बताते तुम्हें तू ये करते, नमाज तुझे पूछ को पढ़ना ईदगे में, तुझे स्टेज एस्टिमेट देना, तुझे बोल को देना हमें नमाज कब पढ़ रही क्या पढ़ रही तो अल्लाह के घर में नमाज पढ़ना रहा तो भी तुझे पूछ को पढ़ना। अब तू जा मालूम कर ले वो क्या टाइम को पढ़ रही है तो बोल को खुश पढ़ो, फर्स्ट 2 साल 100 जने पढ़े, सेकंड टाइम 200 जने पढ़े, 3वां टाइम 600 जने पढ़े, नेक्स्ट 1000 जने पढ़ते दिने दिन पर डोलो फोरी से देखो खुश पढ़ने का सीखो मुसलमान के तरीके से। ईदगे के बारे में कमेंट करने जाना को साइबर रेड्डी को राजीनामा दे करा, तुझे क्या मालूम साइबर रेड्डी को राजीनामा कहीं को देना? साइबर रेड्डी मुसलमानों का काम नहीं करा करा, मेरे पास पूरी फाइल है ईदगे की आर्डर कॉपी के साथ है, जुम्मा मस्जिद में पूरी फाइल जीरास कर को देखता हूँ, तुझे नहीं माल देख जाता हूँ, तुझे नहीं समझ में आता कॉपी लगा ले को पढ़ ले।
क्या साइपर रेड्डी कितना काम करया, क्या क्या करया कहने का तुझे मालूम होता? तुझे फतरे है कालते स्टैंप पूरी आधुनिक मुसलमान आ रहे हर हर जात परेशान थी, ये फतरे कहां जा रही है तो बोल। हर ऑफिसर परेशान था, जब बोलना था तू क्या तो रहा तो कि ना फोन करा रही भैया काम हो, इतना हिम्मत सी कर रही है तो बोल को। ये पत्थर जाना है तो ऑफिसर आएंगे हाथ में ऐसी कोहरे वाले मुझे आप कुछ कितनी तकलीफ होती मालूम होता उनको। उन्होंने व्यापार करने एक पत्थर भेजे तो रात को लोडांग करते तुझे फतरे वो मालूम कि नहीं कि तुझे ग्रेनेड फतरे है। वो फतरे बेच लेने वाले है रात को 12 बजे 1 बजे लोडांग करके चोरी से भेजते है। ये साई प्रसाद रेड्डी आएगा तो बोल को सभी को फज्जर 11 बजे 12 बजे टेम ना टेबल 10 10 15 15 ला रहे हैं बिना शरत के हका ले तो कौन टच करने वाला मर्द बनाने था। ये किसकी बदौलत कहते साई प्रसाद रेड्डी की बदौलत हो क्या? चुपके दिल में असर का कहा गया तुम्हारा ठहरा मैं लिया ऐसे बोलने जाना न को तुझे ईदगे का काम करने का शौक रहा तो मेरा साथ था। ईदगे की पूरी टीम को जमा साला मैं ईदगे को क्या क्या काम कर रहे हैं सो मुझे मालूम आ तुझे बता तू। खाली तू शिवली साहब आगो बोल को गया तेरा शिवली आगो बोल को गया तू ईदगा फने ईदगे का काम यहाँ समझा गया खुश होने का देख मुसलमान का काम जर्रा तो भी हो रहा है बेस मैडम तो कर को हक गए तो आज बेस मैडम मैं जमा को करूँ सबको लेको गाँव के मुसलमान के लोगों में तिप्पल पड़ो आइए अप्पा का तो बोल को सबको मिला ले को बेस मैडम तो करूँ मैं मरने के बाद मेरे कौन तो भी दूसरा है ना तो करता बाकी का काम हो कब भी मुसलमान आएगा काम को आई बा बताने जाना नको तो पॉलिटिक्स में फज्जर से शाम तक आप बोल तो भाई बात करे ईदगे के बारे में बोल रही हूँ तुम्हें काम बंद भी आ गया तो 2 दिन पहले काम चला फतरे मारने वाले को पैसे देने का अभी मजूरी भी लग गया नहीं हिसाब कर रहा तू क्या देता तू काम बंद भी आ गया तो बोल रहा तो 2 दिन के नीचे फतरे मारो अभी गिंडले भी नहीं उसके फतरे कहते है कहने का मालूम भी नहीं फिर वो तो फतरे मारे कम से कम पैसे तो देता है फिर तू ऐसा दिल में ऐसा का बात करने जाना ना को तू तू कब तो भी आज के तारीख से तू काम बुला हुआ आ तुम्हें क्या हमारा पटेल कहाँ कहाँ रोड आंदा लिया कहाँ कहाँ नाले डाला पुणे मल्ले में काम नहीं करेगा तो बोले तुम्हें पुणे मल्ले में कौन से रोड आंदा लिया तुझे मालूम क्या तू पुणे मल्ले में आएगा तू लिख ले रोडा बोल तू ना कहाँ कहाँ वाले सौ फातिमा मस्जिद की 1 करोड़ मासूम मदरसे की पिछे की 1 करोड़ मटन इसकी नासा मस्जिद के इसके हमारे मासूम मस्जिद के बाजू को बाजू बबेक गली हो वो गली आगो इसमें से आती भारपेट में से आगो फातिमा मस्जिद के इसके नहीं आती मासूम मस्जिद के नहीं आती वो 1 करोड़ क्या तुझे जीरंगटे के नहीं 1 करोड़ ये रोड आ कौन सब तुम्हें दला है क्या? तुम्हारी टीडीपी रोलिंग में कचरा उठाने का औकात नहीं तुम्हारी कचरा उठाने रोडा पो तट्टा भर को सटे जाते थे आज कहां तो कचरा दिख रहा है बता तू मुझे कचरा डाली गया मांगा तो आरी बा गाड़ी लग जाती थी तुम्हारी नौबत कैसी थी घर लग जाओ कचरा डाले उठाने वाले नहीं थे तुम कॉलेज आगे बारे में बोल रहा तू बच्चे तंग स्टूडेंट अंग सता रहा सीएम का तो स्कूल आगे नहीं जाओ पढ़ रही सो बच्चों को पूछो हमारे स्कूल में दुड्डिक भरते थे टैंगी के स्कूल में बाप बाप छोड़ छोड़े थे स्कूल आए नको स्कूल बहुत गली से कौन मेंटेनेंस वाला नहीं है तो बोल को आज वो स्कूल में अपार्टमेंट आ नहीं मिल रही रेकमेंड लग जाना वो टैंगी के स्कूल में रेकमेंड लग जाना बच्चे को चढ़ाना है तो ये सब अभिवृत्ति दिख रही नहीं है क्या तुझे खाली कांगी रोड पर पानी ठहरा तो खड्डा आया तो MLA कौन की घर में जोर मरद लड़ ले तो MLA किसी की पवा सूझे तो MLA क्या नहीं तेरे सर का गया तो हमारा MLA गया तो भी इक्की चुपके घर में 24 घंटे हाथ पाथ रख ले को बैठा है समझा पूरे गांव की जिम्मेदारी रहती है उसे। अच्छा तू जे हमारे खाली हमारे MLA के अग्नेश दिख रहा तुझे प्लस क्या भी दिख रहा नहीं वत्ती बड़ी मीटिंग में मुनिसिपल में खाजी साहब को CM उठाया तो खाजी साहब को ठहरा CM को बिठाया हमारा MLA कहीं को बिठाया जरा ठहरा हमारा गाँव का खाजी बात करने का है इद्या का सब्जेक्ट है ये करने के बाद उसे गांव में कता प्रॉब्लम आया तुझे मालूम क्या कितने पार्टियां वाले कितने जाता वाले कितने इनो अग्नेश करे उसे कैसा तू कैश अकेदमी को तो स्टेज चढ़ाया तो हमने कैसा नहीं चढ़ाया तो उसका पर्सनल मामला उसे कहता इश्यू हुआ तुम तक मालूम क्या उसका जवाब उन क्या दिया तुम तक मालूम क्या तो जब बोलना था तू मीडिया में आज MLA बहुत अच्छा काम करे हमारे मुसलमान की शान बढ़ाया बोल।
जब नहीं दिखा तो तुझे क्या व्यवस्था? ये टीडीपी वाले बात सुन को देरी सो ये ले को पैसे ले को बोल लेंगे चालू करना को। तू एक विले कर, तुझे पब्लिक बोली तो तू बोलना, पब्लिक बोलना तुझे। जब तू मीडियम देना तेरे होते को तू बोला तो नहीं तो तू मीडिया वाला नहीं, मुझे पब्लिक का तो बोल। ये ऐसे काम आया भी करने जाना ना को, तू कब तो भी आ, तुझे क्या क्या दिखाएगा दिखाएगा तो बोला तो सब दिखा दूं। अरे एमएलए कहाँ कहाँ काम करा तो सब दिखा दूं। ये ईदगे की फाइल हो, इसमें आर्डर कापी, टेंडर कापी, अग्रीमेंट कापी, अभी तुझे कोसे कोसे कापिया हो ना पूरे फाइल आ जाती मुठिया तक दिख रहा है तुझे क्या? ये आगो चार दिन में हाथ को आको ये बड़ी मस्जिद में जीरास कर को रखे रहते, तुझे नहीं मालूम तो जागो पढ़ ले। मेरे बचपन से सुन रू मैं, शादी खाना क्या पूछे गोंगे मुसलमान का तो शादी खाना भी कब्रस्तान का तो बोल को। साहब हजरत रेड्डी कब आया इलेक्शन में? 2004 में आया हूं। फिर 2004 से पहले थे सो वाले क्या सोए थे क्या? फिर मीनाक्षी नायडू की कितने दिन थी हुकूमत, कितने दिन एमएलए था उन्होंने, कितने शादी खाने बन को दिया, कितने कब्रस्तान काम कर को दिया। बुट्टा रेणुका फंड दी गए थे, बुट्टा रेणुका तुम्हारी पार्टी की क्या? तुम्हारी पार्टी का सिंबल रख ले को जीती थी क्या उन्होंने? बुट्टा रेणुका मैडम मैडम हमारी पार्टी का सिंबल रख ले को जीती, उसका फंड दी सो उन्होंने, एक करोड़ रुपए उसका वन फंड दी सो उन्होंने, वाईएसआर पार्टी की तरफ से दी सो उन्होंने। क्या तो उन्होंने तुम ना को दी खुद क्या तो टीडीपी में थी क्या उन्होंने? नहीं तुम्हें क्या तो राजीनामा रखो टीडीपी सिंबल रखो जिता ले हो क्या तो फंड दिए थे क्या तुम्हें? भुट्टा रेणुका मैडम की जिंदगी खराब करे तुम्हें, आई पैसा की आस लगा को इधर उधर लग जाओ, मैडम को इधर का ना उधर का करो, घर में पढ़ाए तुम्हें आज, अति अच्छी लीडर को खराब करे तुम्हें। वो मैडम हमारे वास्ते दी सो पैसे, उसका फंड दी सो उन्होंने, तुम्हें हमें दिएगा तो तुम्हें दिएगा वो। हाँ तुम्हें कब बोला हमें दिएगा तो उसे राजीनामा कराना, तुम्हारा सिंबल रखो जिताना, जब बोलना तुम्हें हमें दिएगा तो बोल। ऐसे छुप के सिर फिर बात करना करो ना को, यहाँ में कैसा काम करा ले कर रही, कैसा काम कर रही है, शोक रहा तो मेरा साथ आ, हमें पूरे गांव के अवाम का दावत दे रहे हैं ईद के काम को, कौन तू भी आओगे तो तू हम ना टी डी पी वाई एस आर वो सब ईद के काम में क्या भी संबंध नहीं, तू आ तू बुला हमें आती, तू बुला आती फोन के 1,00,000 रुपए चंदा लिखा रहा, 5,000 चंदा लिखा रहा, तू 6,000 रुपए लिखाता क्या बोल, मैं सब आता हूँ तेरे घर को, नहीं तो एक भालू फतरे दलाता क्या बोल, तो जाते भी टिप्पर भालू रहेंदे एक ट्रैक्टर फतरे रहेंदे क्या दलाता क्या बोल, तो आ तुम्हें ईदगे का काम करना है तो दिल में जोश रहना, आंग में ताकत रहना क्या, इतना बड़ा काम करेंगे तो जरा गाँव के बड़े बड़े आदमियों को पूछ ले जाको अच्छा करेंगे खराब करेंगे तो बोलते हैं। अब एक बात, मैं जिंदा रहता का ईदगे का काम मेरे हाथ से हो सकता कर कुछ बताता हूँ क्या, ये मेरे एमएलए के लिए कुछ कर को बताता हूँ क्या, तो अल्लाह मुझे धन का तो मौत दिया तो उसके कौन जिम्मेदार की कहने की, मेरी जिम्मेदारी नहीं क्या। इसके बाद अब एक टाइम क्या भी बोलने जाना को, काउंटर के पीछे काउंटर रहता तो दिया सो 15 मिनट को काउंटर देता हूँ यहाँ से ना, हमारी पार्टी ऑफिस से नहीं देते ना हमारे बड़े आदमियाँ देते, तू कहते तो दे काउंटर ना, तेरे साथ कितने जने तू भी दे दे, तुझे कौन कौन सिखा को भेज रही नहीं उनको सबको बोल ले, तू काउंटर तो कहते हो तो उधर बिठा को दे ले, इधर से सिंगल जमा दे तुम काउंटर, तुझे हमारे आदमियों को बड़े आदमियों को अति जरूरत नहीं तुझे मुंह देने के खातिर, मैं 21 जना काफी तुझे, तू कब तक दे तू काउंटर को, काउंटर दे तुम। मेरा नाम मुल्ला रफीक,